दूसरे ट्यूटोरियल में खुशामदीद। पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाहर शदीद तूफान आया है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, लेकिन हम करेंगे इस काम को। अच्छा जी, पहले ट्यूटोरियल में आपने क्या देखा था? हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल देखी, जिसमें हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज़ करते हुए एक मैसेज नाम की टिप को टारगेट किया था और उसमें एक मैसेज प्रिंट कराया था जो कि था हेलो वर्ल्ड। अब हम एक काम नया करने वाले हैं, हम एक नया बटन यहाँ पर बनाते हैं और ऑन क्लिक के इवेंट को यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक ऑन क्लिक का इवेंट है, जिस तरह से कि मैंने आपको बताया पहले भी कि जावास्क्रिप्ट एक इवेंट ड्रिवन कोडिंग लैंग्वेज है जो कि ब्राउज़र के लिए बनी थी, इसलिए इसके अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स पाए जाते हैं, उनमें से एक जो है वो है ऑन क्लिक का इवेंट। तो मैं एक बटन बना रहा हूँ जिसके ऑन क्लिक इवेंट पे हम एक नया मैसेज प्रिंट कराएंगे मैसेज के अंदर और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मैसेज की टाइप बटन, सॉरी बटन की टाइप बटन ऑफकोर्स, और इसको एंटर करते हैं और इसके दरम्यान में जो लिखेंगे वो बटन के टेक्स्ट के तौर पे शो हो जाएगा। रिस्पॉन्ड के देखें इसको। अच्छा जी, यहाँ पे एक मैसेज हम भिजवाते हैं किसी की तरफ से कि आई लव यू। ओके, ये तो क्या कहानी होने वाली है। अभी देखते हैं जी कि ऑन क्लिक पे रिस्पॉन्स क्या आता है। सो एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है माई रिस्पॉन्स, ठीक है जी, और देर रिस्पॉन्स में भी। अच्छा है, यहाँ पे इसका ब्रैकेट स्टार्ट, इसका ब्रैकेट बंद, यहाँ पे खुद से ऐड कर देता है इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसकी इम्प्रूव कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट को फॉर्मेट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको एक ही लाइन में दिखे। सो देखते हैं जी कि रिस्पॉन्ड किस तरह से किया जा सकता है। यहाँ पे ऑन क्लिक का इवेंट हम कॉल करते हैं इस बटन के ऑन क्लिक पे और उसमें कॉल कर देते हैं माई रिस्पॉन्स के फंक्शन को। रिस्पॉन्स की स्पेलिंग लिख लेते हैं, ठीक से लिखे हैं, ठीक से लिखे हैं जी। ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका होता है ब्रैकेट लगाना, इससे ये नाम पता चलता है फंक्शन का और इससे ये फंक्शन इटसेल्फ कॉल होता है। अच्छा जी, ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल करें जो कि जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे माई रिस्पॉन्स के नाम से लिखा है। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इम्प्रूव कर देते हैं, वो किस तरह से होगी। मैसेज की डिव आईडी को टारगेट करेंगे, जिस डिव का आईडी के लिए हैश यूज़ किया जाता है स्टार्ट में, और सीएसएस में हम इसको टारगेट करेंगे। फिर इसी पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग कर देते हैं 20 पिक्सल्स। अच्छा, पैडिंग में किस तरह से किया जाता है, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। तो टॉप पे 20 है, राइट पे 0 कर देते हैं, बॉटम पे भी 20 पिक्सल्स ऐड कर देते हैं और लेफ्ट पे भी 0 कर देते हैं ताकि ये यहाँ पे स्टार्ट में एक्स्ट्रा स्पेस ना ऐड हो। अच्छा जी, अभी एक और काम करते हैं। अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसके साइज़ को बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ की मदद से करेंगे, ठीक है। सॉरी, मेरे पास जो कीबोर्ड है वो मैं उसका आदि नहीं है। फॉन्ट साइज़ जो है उसको हम 200% कर देते हैं ताकि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा दिखे। और देखें जी, कोई मैसेज कह रहा है आई लव यू का और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो जवाब में हेलो वर्ल्ड मिला, लेकिन नहीं, ये कोई इतना फ़नी नहीं है रिस्पॉन्स। तो हम कहते हैं नो, हम एक ज़्यादा अच्छा सा रिस्पॉन्स लिखते हैं, इट्स नॉट यू, ठीक है जी। सो बस इसके बाद आप बाहर तूफान में जाएं और बारिश में नहाएं इस रिस्पॉन्स के बाद, ठीक है जी। चलें, सो ये हमारा है एक फंक्शन जिसको हमने कॉल किया है ऑन क्लिक के इवेंट पे। मकसद आपको सिखाना था फंक्शन किस तरह से लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट में। दूसरी जारी बात है, उसको किसी पेज में आपने कॉल भी करना है, उसको कॉल करने का एक तरीका ये हो सकता है कि किसी बटन के क्लिक करने पे आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे हम एक नया काम भी करेंगे, लेकिन वो अपने अगले ट्यूटोरियल में, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिस जगह पे आप देख रहे हैं वहाँ पे आप दोबारा इस कोड को ओपन कर सकेंगे और फोक कर सकेंगे, इसमें कोई चेंजेस करके ट्राई कर सकेंगे या खुद से भी लिख सकेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप खुद से लिखें, गलतियाँ करें, फिर उनको ठीक करें और फिर मुझे दिखाएँ कि आपने क्या नई चीज़ बनाई। बहुत शुक्रिया।